भारत और पाकिस्तान के सालों पुराने खटास भरे रिश्तों से भला कौन वाकिफ नहीं है। दिस वॉज वी कुड नेवर साइन अ लॉन्ग टर्म। वहीं भारत और ईरान की दोस्ती के चर्चे भी दुनिया में होते आए हैं। चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए भारत और ईरान के बीच 13 मई को ही एक समझौता हुआ था। ये समझौता कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिकी नाराजगी को दरकिनार कर भारत इस समझौते पर आगे बढ़ा। यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खुद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान गए थे। लेकिन रईसी के जाते ही ईरान के तेवर बदल गए हैं। ईरान अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान की खुशियों में शरीक हो रहा है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को परमाणु बम का परीक्षण करके दुनिया को हैरान कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के परमाणु परीक्षण करने के जवाब में ये परीक्षण किया था। पाकिस्तान इसे यौम तकबीर नाम से मनाता है। इस बार तो पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने आज के दिन सार्वजनिक रूप से छुट्टी कर दी। पाकिस्तान के यौम तकबीर पर पड़ोसी ईरान ने बधाई दी है। बता दें कि पाकिस्तान पहला मुस्लिम देश है जिसने परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल की है। पाकिस्तानी नेता दावा कर रहे हैं कि उनका देश परमाणु हथियारों का विकास जारी रखेगा। वहीं ईरान की ये बधाई तबाही है जब संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने चेतावनी दी है कि ईरान परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को बढ़ावा दे रहा है। IAEA का कहना है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने एक गोपनीय रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि अब ईरान के पास 60% की शुद्धता का 142.1 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है, जिसमें फरवरी की पिछली रिपोर्ट के बाद से 20.6 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। बता दें कि 60% शुद्धता का संवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार बनाने के स्तर से बस एक कदम दूर है। वहीं ईरान बार बार ये दावा करता है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन ईरान के इरादों पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को भरोसा नहीं है।